नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत विदिशा के सफाई कर्मचारियों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। नगर पालिका परिषद में धरने के दौरान संगठन के अध्यक्ष राकेश कटारे ने बताया कि पिछले कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। पहले कलेक्टर, फिर नगर पालिका CMO और विदिशा विधायक को भी मांग पत्र सौंपा जा चुका है। सुनवाई न होने पर खाली पट्टी बांध कर भी कार्य किया था। उसके बाद हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है। अभी ये कंडीशन हो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष जी का, मंगललाल झांझोटी जी का निर्देश जारी हो चुका है आज की तारीख में। अगर आज के बाद कल तक हमें सरकार ने चर्चा के लिए बुलाया नहीं, हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो 10 तारीख को CM हाउस घेरेंगे अधिकार रैली के रूप में। उसमें CM हाउस घेरेंगे, उसमें सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश सफाई कामगार CM हाउस घेरने की तैयारी चल रही है। उसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो 12 तारीख से सफाई व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश की बंद की जाएगी। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।